स्वागत है आपका। हम लोग मास एनर्जी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम की चर्चा कर रहे थे और एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे थे। ये उसका चौथा भाग है और इस पर्टिकुलर भाग में हम केवल थ्रॉटलिंग वॉल्स, मिक्सर, हीटर एंड हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करेंगे। थ्रॉटलिंग वॉल्व जो है वो एक डिवाइस होता है वॉल्व जो बेसिकली फ्लूइड को रोकता है, इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव डिवाइस। और इसी वजह से आपके पास एक आपका सिग्निफिकेंट प्रेशर ड्रॉप इस डिवाइस के माध्यम से मिलता है। सो थ्रॉटलिंग वॉल्व जो है वो कई तरह के हो सकते हैं। आपके ये एडजस्टेबल वॉल्व भी हो सकता है जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, और जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला है, ये एडजस्टेबल वॉल्व है। ये एक पोरस प्लग भी हो सकता है, कैपिलेट ट्यूब भी हो सकता है। तो इस जो ट्यूब है या प्लग है, वॉल्व है, ये फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, और इसी वजह से आपका सिग्निफिकेंट प्रेशर ड्रॉप मिलता है। वैसे तो टरबाइन में भी प्रेशर ड्रॉप होता है लेकिन उसमें वर्क एसोसिएटेड है। ये प्रेशर ड्रॉप इस केस में थ्रॉटलिंग में वॉल्व में कोई वर्क एसोसिएट नहीं होता है। नॉर्मली इसमें हम लोग हीट ट्रांसफर भी नेग्लिजिबल होता है क्योंकि बहुत तेज़ी से होता है और सरफेस एरिया इसका बहुत कम है। तो यही डिफरेंस है एक टरबाइन और थ्रॉटलिंग वाल्व में, कि थ्रॉटलिंग वाल्व में आपका वर्क एसोसिएटेड नहीं है जबकि, और प्रेशर ड्रॉप तब होता है सिग्निफिकेंट, और टरबाइन में प्रेशर ड्रॉप होता है बट वर्क के साथ एसोसिएटेड है। जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है नॉर्मली। तो ये एक आम बात है कि जब भी आपका एक फ्लूड में प्रेशर ड्रॉप होगा तो टेम्परेचर भी अच्छा खासा ड्रॉप होता है। इसी वजह से थ्रॉटलिंग वॉल्व का सबसे ज़्यादा यूज़ आपके रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग एप्लीकेशंस में होता है। ठीक है, टेम्परेचर को नीचे, क्योंकि मैक्सिमम आपको एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है, और इसीलिए लार्ज ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर प्रिफर करते हैं। इसलिए आपका ये वॉल्व जो है काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है। इसका अगर एनर्जी और बैलेंस करें तो आप नोटिस कीजिएगा, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे क्यू आपका ज़ीरो होगा क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया नहीं है और बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस होता है, तो हम लोग क्यू को कंसिडर करते हैं ज़ीरो। और कोई एक्सटर्नल वर्क भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपके फ्लो वर्क तो साथ में रहेगा तो एक्सटर्नल वर्क कोई नहीं है तभी इसका ये डब्ल्यू भी ज़ीरो होता है। और इसको हम लोग एज्यूम करते हैं कि भाई डेल्टा पी ई और डेल्टा के ई आपका अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। ऐसे केस में चूँकि ये स्टडी फ्लो डिवाइस है तो आपका ई इन डॉट इज इक्वल टू ई डॉट आउट, और ई इन में नेट मास और हीट और वर्क इंक्लूडेड है। तो चूँकि ये फ्लो है तो इसमें आपका हीट और वर्क तो एसोसिएटेड नहीं है, तो केवल एक एम डॉट थीटा इन हो जाएगा इज इक्वल टू एम डॉट थीटा आउट। ओके, ठीक है। और थीटा में आपका जो है एच रहेगा चूँकि मास कॉमन है और बाकी जो एलिमेंट है आपका वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एच, ये हमने ज़ीरो मान लिया है। तो इस इक्वालिटी के हिसाब से केवल आपका एच टू इक्वल टू एच वन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका जो है वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एस, ये आपका ज़ीरो होगा तो केवल एच टू रह जाएगा। तो ये एच वन इज इक्वल टू एच टू हो गया। ये आपका थ्रॉटलिंग वॉल्व का एक एनर्जी बैलेंस लीड करता है। कहने का मतलब ये जो प्रोसेस है ये आप में इसमें इंथाल्पी कंजर्व रहती है या कॉन्स्टेंट रहती है। और इंथाल्पी क्या है, आपके पास इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी है या फ्लो वर्क जिसे कहते हैं हम लोग। तो अगर कोई जो चेंज हो रहा है तो केवल इंटरनल एनर्जी में और फ्लो वर्क में हो रहा है, बशर्ते यह है कि एक एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में जा रही है। तो ये दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है एनर्जी इसको कांस्टेंट रखने के लिए। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आइडल गैस लेते हैं तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर टी वन है और एच वन है इंथैल्पी, तो चूँकि आइडल गैस है तो इंथैल्पी सेम है, और आइडल गैस में इंथैल्पी जो है वो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसीलिए आपका टेम्परेचर भी सेम होगा। तो केवल आइडल गैस के केस में ऐसा सिचुएशन होता है कि टेम्परेचर भी सेम है क्योंकि इंथाल्पी सेम है थ्रॉटलिंग वॉल्व में। और इन जनरल ये सिचुएशन
जो है इसको यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि टेम्परेचर सेम है और इसकी वजह से, लेकिन पीवी जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो सकता है, इंटरनली चेंज हो सकती है। जैसे हमने कहा कि थ्रॉटलिंग वॉल में आपका यू प्लस पीवी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब एच कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यू इंटरनल यू चेंज हो सकता है। जैसे कि इस केस में देखिए, आपका यू जो है, चूंकि ये प्रेशर ड्रॉप है, तो इस केस में आपका यू चेंज हो गया, कम हो गया, और यू अगर कम है तो आपका ये पीवी टर्म बढ़ गया, जिससे कि दोनों टर्म बराबर, जब ऐड करेंगे तो ये इंथाल्पी बराबर आएगा। और ये जो टर्म है उसमें नोटिस कीजिए कि प्रेशर तो नॉर्मली कम होगा, लेकिन प्रेशर कम होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो पीवी टर्म जो है इफेक्टिवली बढ़ जाता है। ओके तो ये एक बेसिक इंट्यूशन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस भी काफ़ी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, बट इंपॉर्टेंट समझना है कि थ्रॉटलिंग वॉल्व में आपका इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी जो है कॉन्स्टेंट रहता है, बट दोनों के बीच में कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे फॉर्म पे, एक एंड से दूसरे एंड पे। अब एग्जांपल करते हैं, ये है रेफ्रिजरेंट 134 का, और इसमें ऑफकोर्स टेबल यूज़ करेंगे हम, बट अगर एयर होता तो बहुत आसान है, क्योंकि आपके पास एच कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो बाकी आप पीवी इज इक्वल टू जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, एनआरटी या एमआरटी, इसे आप यूज़ कर सकते हैं और जो वैल्यूज़ निकालने हैं आराम से निकाल सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में ये कैपिलरी ट्यूब है और इनिशियली ये दिया गया है कि एक सैचुरेटेड लिक्विड है जो 0.8 मेगा पास्कल पे ये इंटर करती है, तो ये आपका एच वन जो है वो एट सैट है, मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर पे है, और ये 0.8 मेगा पास्कल है। ठीक है, तो एच वन अगर देखा जाए तो ये हो गया एच एफ एट 0.8 मेगा पास्कल, और ये जो है ये निकल के आ रहा है प्रेशर 0.12 मेगा पास्कल। ठीक है, और इसमें निकालना है हमें क्वालिटी, यहाँ पे इसकी क्वालिटी निकालनी है, और टेम्परेचर ड्रॉप मतलब डेल्टा टी निकालना है। ठीक है, तो ये चूँकि सैचुरेटेड लिक्विड है तो यहाँ से हम टेबल से हमें इसके टी सेट की वैल्यू निकल मिल जाएगी, तो टी वन आपकी एक्चुअली टी सेट हो जाएगा एट 0.8 मेगा पास्कल। अभी टेबल देखते हैं, पता करते हैं, पर बिफोर अभी और आगे बढ़ने से पहले एक इसका थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं, कि पहले तो ये है कि हम इसे अज्यूम करेंगे कि टोटल जो एनर्जी हीट जो है पर्टिकुलरली वो इनलेट आउटलेट्स के ज़ीरो है, तो नेट क्यू आपका ज़ीरो है या क्यू ज़ीरो है, और इसी तरह डब्ल्यू जो एक्सटर्नल वर्क है ये भी ज़ीरो है, डेल्टा पी डेल्टा के भी ज़ीरो है, और स्टडी फ्लो है, ऐसे केस में ये एच टू इज इक्वल टू एच वन हो गया, तो ये आपका एनर्जी बैलेंस ये शो करता है। ठीक है, अब क्या है कि अगर आप टेबल देखें तो ये आपका रेफ्रिजरेशन टेबल है, और सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट 134 का टेबल है, इस केस में आपको हमें देखना है 0.8 मेगा पास्कल, मतलब 800 किलो पास्कल, तो 800 किलो पास्कल ये है, इसका टी सेट ये निकल के आता है। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, ये आपका 31.31 डिग्री सेल्सियस है, और एच एफ जो है वो ये है 95.48, जो ऑलरेडी दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, और वही आपका कांस्टेंट है। अब क्या है कि प्रेशर कम हो गया, प्रेशर अगर कम है तो अब क्या निकल गया है 120 मेगा पास्कल, 120 मेगा पास्कल मतलब सॉरी 0.12 मेगा पास्कल, मतलब 120 किलो पास्कल है, तो 120 किलो पास्कल ये निकला, इसका टी सेट ये है। ठीक है, अब क्या है कि पहले तो नोटिस कर लेते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एच एफ और एच जी ये है, तो इसका पहले मैं लिख लेता हूँ, कि पहले तो ये टी टू आपका आ गया टी सेट एट पी टू, ये है आपका -22.32 डिग्री सेल्सियस, और एच एफ जो है इस सैचुरेशन कंडीशन में ये निकल के आता है टेबल से, और एच जी जो है वो 236.0 के जी जूल्स पर के जी। ठीक है,
अब नोटिस कीजिए, एच टू तो फिक्स है, एच टू जो है वो एच एफ से बड़ा है और एच जी से कम है। एच टू आपका 95.48 है, इसका मतलब ये टू फेज सिस्टम है, दो फेजेस हैं इसमें। और ऐसे में आप इसका क्वालिटी निकालना है तो आप निकालेंगे, क्योंकि एच टू हम लोग लिखते हैं, एच टू जो है वो एच एफ प्लस एक्स टू एच एफ जी होगा, तो एक्स टू हो गया आपका एच टू माइनस एच एफ बाई एच एफ जी, तो ये निकल के आता है 0.34। ठीक है, तो ये एक तो प्रॉब्लम हमारा निकल गया आराम से। दूसरा एक टेम्परेचर ड्रॉप, वेल टेम्परेचर तो इसका दिया हुआ है, हमने निकाल दिया कि ये टी सेट में होगा, तो ये 0.2 है, तो डेल्टा टी कितना हुआ, डेल्टा टी हो गया आपका टी टू माइनस टी वन, जो आपका निकल के आता है -22.32, -31.31 डिग्री सेल्सियस, और ये आ गया -53.63 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ड्रॉप होगा टेम्परेचर, और नोटिस कीजिए इस ड्रॉप के साथ 34% जो है, जो सैचुरेटेड लिक्विड था पहले यहाँ पे, वो 34% जो है वो वेपराइज हो गया, है ना। तो ये आपका एक एग्जांपल है जिसमें कि कैपिलरी ट्यूब ट्यूब जो है वो प्रेशर ड्रॉप के साथ आपका टेम्परेचर भी ड्रॉप हो रहा है, सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, और साथ में आपका लिक्विड जो है काफ़ी हद तक वेपराइज हो जाता है, 34% इस केस में। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे जो यूनिट्स पे, जो फ्लो डिवाइसिंग फ्लो डिवाइस है, स्टडी फ्लो डिवाइस, और सबसे मतलब कॉमन जो है, सबसे कॉमन आमतौर पे आपको घर में मिलता है वो है मिक्सिंग चैम्बर। इसमें क्या है कि जैसे कि दो डिफरेंट फ्लूइड जो हैं डिफरेंट कंडीशंस पे मिक्स हो रहे हैं टी एल्बो के साथ, और एग्जांपल है इसका शावर जो हम लोग लेते हैं, और वो डिपेंड करता है आप कितना फ्लो रेट लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप कम रखेंगे या यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे। और इस मौसम में अगर ठंडा मौसम है तो नेचुरली आप हॉट को ज़्यादा फ्लो से करने की कोशिश करेंगे, ठंडा पानी ज़्यादा ठंडा होगा, तो ये आप मैनेज कर सकते हैं, और ये बहुत ही काम है। तो होता क्या है कि दोनों मिक्स होता है यहाँ पे, तो ये हो गया मिक्सिंग चैम्बर में, आपका मिक्सिंग चैम्बर में ये मिक्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर है और ये स्पेसिफिकली मिक्स हो रहा है। अब इसमें क्या है कि इसमें आप मास बैलेंस भी कर सकते हैं, एनर्जी बैलेंस भी कर सकते हैं आप। मास बैलेंस में तो सिंपल सी बात है कि भाई आपका एम इनलेट, सम ऑफ इनलेट जो है वो आपका आउट होगा, और जितना स्ट्रीम लगाना है उतना आप लगाएंगे। आप जैसे इसमें अगर दो स्ट्रीम है, यहाँ पे एक स्ट्रीम है, तो यहाँ पे आ गया एम डॉट प्लस एम टू डॉट इज इक्वल टू एम थ्री डॉट, है कि नहीं, तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। अब एनर्जी बैलेंस में क्या है कि आपको चूंकि स्टेडी फ्लो है तो आप बेसिकली ई इन इज इक्वल टू ई आउट हो गया, और इस केस में जैसे ई इन है तो ई इन में क्या है कि एम डॉट के साथ निकल के आ रहा है एच वन, तो ये इसका कंट्रीब्यूशन है इस फ्लो का, फिर ये दूसरा कंट्रीब्यूशन, दोनों इनलेट में है, और फाइनली जो है आउटलेट में है एम डॉट थ्री एच थ्री डॉट। इसमें भी अज्यूम हम करेंगे कि क्यू जो है लॉस ज़ीरो है, डब्ल्यू डॉट ज़ीरो है, के ई पी ई जो है डेल्टा ज़ीरो है, और अनलेस आपको बताया जा रहा है कुछ प्रॉब्लम्स में, हम ये मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि ये एडियाबेटिक है, पूरा 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 जो कंट्रोल वॉल्यूम ने हमने ड्रॉ किया वो एडियाबेटिक है। नाउ हीट एक्सचेंजर एक दूसरा एक डिवाइस है जिसमें मिक्सिंग नहीं होता है बट हीट ट्रांसफ़र होता है, तो हीट यहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो रहा है। जैसे कि अगर आप 10 डिग्री का ये है और 60 डिग्री का ये है, तो अंदर जाके आपका 60 डिग्री और 10 डिग्री से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए हीट ट्रांसफ़र तो हो रहा है फ्लूड का एक फॉर्म से एक टाइप का फ्लूड का दूसरे टाइप के फ्लूड्स के साथ, और फाइनली जो है टेम्परेचर निकल के आता है एवरेज इस दोनों के बीच का। दूसरा ये तरीका है कि आप उसे फिजिकली मिक्स नहीं हो रहा है बट वो ट्रांसफ़र हो रहा है बाउंड्री के माध्यम से, और वो क्लासिक एग्जांपल है आपका हीट एक्सचेंजर। तो हीट एक्सचेंजर जो है आमतौर पे हर तरह के इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और ये आप नोटिस कीजिए कि जैसे कि ये एग्जांपल है यहाँ पे, ये अगर कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, और ये बाउंड्री है, तो फ्लूड यहाँ से आया और यहाँ पे ये दूसरा फ्लूड एक है जो यहाँ से बह रहा है, तो हीट ट्रांसफ़र यहाँ से हो रहा है क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पे है, और कंपेयर टू ये वाला लोअर टेम्परेचर पे, ये हाई टी है ये लो टी है, ठीक है, तो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम हाई टू लो। नाउ
ये कंट्रोल वॉल्यूम जो है वो, ये अगर आप चेंज करते हैं तो इसके जो आपका सेट ऑफ जो एनर्जी बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे। जैसे कि इस केस में हम लोगों ने क्या किया कि पूरा का पूरा कंट्रोल वॉल्यूम हो गया, लेकिन जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो अंदर की तरफ हो रहा है, तो इसलिए कंट्रोल वॉल्यूम के बाहर से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं क्यू सी वी इज इक्वल टू जीरो। बट अगर आपने कंट्रोल वॉल्यूम अंदर ले लिया, जैसे यहाँ पे लिया, तो नेचुरली जो है आपके बाउंड्री के बाहर से हीट आ रहा है, तो यहाँ पे क्यू सी वी जीरो नहीं है। वही इस केस में क्या है कि ये आपने ये कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया तो यहाँ बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बाहर से हमने कहा है कि ये एडिबैटिक है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कंट्रोल वॉल्यूम का चॉइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हीट एक्सचेंजर को हम हमेशा एक सिंप्लीफाइड ढंग से भी देख सकते हैं, और कई बार इसे कंसेंट्रिक पाइप के माध्यम से भी समझा जा सकता है। जैसे आपने एक पाइप ले लिया, ठीक है, और इसी में आपका एक और पाइप है, ठीक है, तो ये एक फ्लूइड सपोज यहाँ से आया, अंदर जा रहा है, दूसरा फ्लूइड जो है वो बाहर से निकल के आ रहा है, तो ये ए है और ये बी है, ठीक है, या इस केस में अगर देखें तो ये ए मान के चल रहे हैं और ये बी है सपोज हो गए। तो जो एक्सचेंज हो रहा है हीट वो इस वॉल के अगेंस्ट अपोज हो रहा है, तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है हीट वो इसके थ्रू हो रहा है जो कि बाउंड्री है, और बाहर का जो हमने माना हुआ है वो है कि ये आइसो, ये काइंड ऑफ एडिबैटिक है, तो इसके थ्रू कोई चेंज नहीं है। तो इस तरह के कंसेंट्रिक पाइप भी कभी कभी कंसिडर करते हैं हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर के कई डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, वो खासकर आप अगर पढ़ेंगे आगे जाके तो इसमें आपको मिलेगा। इसको इस कोर्स में हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड ढंग से इसको प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट मास एंड एनर्जी बैलेंस में ही है फिलहाल। चलिए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रेफ्रिजरेंट 134A है, जो कि कूल किया गया वाटर को इन कंडेंसर। तो यहाँ पे लिखा गया कि ये कंडेंसर है, ये जो आपको दिख रहा है ये कंडेंसर है, ये बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये एक हीट एक्सचेंजर की तरह है। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट जो है ये इधर से आया, ठीक है, जो कि 6 kg/min है, 1 MPa एंड 70 डिग्री पे है, और निकला 35 पे है, और कूलिंग जो वाटर है वो 300 kPa पे है, 15 डिग्री सेल्सियस, और ये 25 पे निकल रहा है। इसमें कह रहे हैं कि कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं है, इसका क्या मतलब है कि हम इसे भी 1 MPa मानेंगे हम इसे एक तरह से, और इसको हम लोग 3 kPa मांगेंगे कि कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं है। अगर कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं है तो उसके बेसिस पे आप बताइए कि मास फ्लो रेट कूलिंग वाटर कितना है, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो पहले पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो अजम्पशंस हम लोग वही लेंगे कि ये स्टेडी फ्लो है, ठीक है, ये स्टेडी फ्लो है, ठीक है, और इसमें इसका जो कंट्रोल वॉल्यूम अगर हम लोग ले रहे हैं ऐसे, तो एम सी वी ज़ीरो है, कोई चेंज नहीं है, क्यू डॉट आपका ज़ीरो है, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ज़ीरो है, पी चेंज जो है वो सब ज़ीरो है। तो ऐसे केस में आपका एक सिंपल सा एनर्जी और मास बैलेंस आप निकाल सकते हैं। तो पहले चीज़ तो ये है कि भाई एम स्ट्रीम जो है ये मिक्सिंग नहीं हो रही है, नोट कीजिएगा, ये अलग स्ट्रीम है रेफ्रिजरेंट की, जो अलग पाइप बनी हुई है, और वाटर की अलग स्ट्रीम है। इसीलिए आपका M1 वाटर जो है वो M दैट मीन्स M डॉट वाटर जो है कांस्टेंट होगा। तो अगर इसे इसे सपोज इनलेट कहते हैं तो ये आउटलेट जो है वो सेम होगा। तो इसको अप्लाई कर सकते हैं कि M1 इज इक्वल टू M.2 और M.3 इज इक्वल टू M.4 इक्वल होगा, ठीक है, और ये M1 इज इक्वल टू M.2, ये बेसिकली क्या है, ये केवल ये वाटर है, और ये क्या है, ये आपका रेफ्रिजरेंट है, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रीम जो है वो रेफ्रिजरेंट है ना। तो ये आपके पास एक सिंपल सा एक मास बैलेंस तो ही हो गया। आप एनर्जी बैलेंस करते हैं इस कंट्रोल वॉल्यूम पे, तो एनर्जी बैलेंस को हम लोग सिंपल से ई इन माइनस ई आउट कह सकते हैं, ये ज़ीरो आएगा।
अभी इसके अंदर क्या है कि इन यहाँ पे दो दो इनलेट हैं, कंट्रोल वाल्व में दो इनलेट हैं, ये एक तो आपका M1H1 है, फिर आपका M3H3 है, और आउटलेट में दो हैं, 3, 2 एंड 4, तो ये हो गया आपका M2H2 प्लस M4H4। इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, ये क्योंकि M1 और M2 जो है वो आपका M.W है, तो ये हो गया आपका M.W H1, इसको हम इसको रीअरेंज करते हैं, S2 माइनस H1 करते हैं, और ये आ गया आपका M.R, ये हो गया आपको H4, M.W S2 माइनस H1, और ये हो गया H3 माइनस H4। ठीक है, तो ये आपके रिलेशंस आ जाएंगे H3 माइनस H4। अब क्या है कि इसको आप इन सब वैल्यूज़ को निकालने पड़ेंगे, अगर आपको कैलकुलेट करना है MW तो कहीं ना कहीं इस वैल्यूज़ को निकालने पड़ेंगे। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको टेबल की रिक्वायरमेंट है, तो पहले बात तो ये है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो H2H1 जो है ये आपको वाटर के टेबल से मिलेगा। ठीक है, तो वाटर का अगर टेबल देखे तो ये टेबल A5 है। A5 में हमें ये देखना है कि जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर आपका 15 डिग्री है, तो और ये 25 डिग्री है, तो क्वेश्चन ये है कि सैचुरेशन टेम्परेचर 300 किलो पास्कल पे कितना है। तो 300 किलो पास्कल आपका ये आता है, इसका टेम्परेचर आपका 133.552 है। इसका मतलब वाटर का जो टी है, चाहे वो 15 डिग्री है या 25 डिग्री है, ये आपका टी सेट एट 300 किलो पास्कल से कम है। इसका मतलब ये कंप्रेस्ड लिक्विड हुआ। इसका मतलब हम H1 को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं H1 क्या है, HF एट 15 डिग्री, और H2 को हम कर सकते हैं HF एट 25 डिग्री। ठीक है, तो ये एक तो इम्पोर्टेंट हो गया। तो हमने ए तो वो हम ये हम करेंगे A4 टेबल से, यहाँ से हमें ये मिल गया इन्फॉर्मेशन, A4 टेबल से करेंगे। तो A4 टेबल पे अगर आप जाएंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 62.982 किलो जूल्स पर kg जो फ्लूड की है, और ये निकल के आएगी 104.83 किलो जूल्स पर kg। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसका कैसे करेंगे रेफ्रिजरेंट का। तो रेफ्रिजरेंट का आपका है 70 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मेगा पास्कल। ओके, तो 1 मेगा पास्कल का अगर देखें तो 1 मेगा पास्कल का ये है, इस पे इसकी सेचुरेशन टेम्परेचर जो है 39.37 है, और ये जो टेम्परेचर है ये आपका 70 डिग्री सेल्सियस है। तो पहला वाला तो ये है कि सीधी सीधी बात है, सेचुरेशन टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, तो पहला वाला स्टेट जो है ये सुपर हीटेड है, तो ये हम आराम से यहाँ ले सकते हैं कि यहाँ पे हमने 70 डिग्री पे ये रहा 70 डिग्री, तो 70 डिग्री पे जो इंथाल्पी है वो आपकी निकल के आएगी ये। तो 70 डिग्री पे आपकी इंथाल्पी निकल के आई है सुपर हीटेड में, तो ये आपका H3 हो गया, ये हो गया 303.87 किलो जूल्स पर kg। अब सेकेंड है जो H4 है जो 35 डिग्री पे है ना, 35 डिग्री पे आपका जो है एच है, चूँकि वो टी सेट से नीचे चला गया है तो वो कंप्रेस्ड हो गया है, तो कंप्रेस सीधा सीधा कंप्रेस लिक्विड होप में चला गया है, टी सेट से नीचे चला गया है, तो जो स्टेट 4 है वो उसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं HF एट 35 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो टी सेट से नीचे चला गया है,
प्रेशर तो कांस्टेंट ही है एट 1 मेगा पास्कल। तो 35 डिग्री पे आपने देखेंगे तो ये रहा 35 डिग्री, जो यहाँ पे आएगा 36 और 34 36 के बीच है। तो यहाँ पे जो एच एफ है वो है यहाँ पे ये वाला जो इसके बीच में है, और ये आप लीनियर इंटरपोलेशन कर सकते हैं, जो निकल के आएगा 100.87 केजी किलो जूल्स पर केजी। तो इस तरह से आप एच वन एच टू एच थ्री एच फोर वैल्यूज़ निकालेंगे, और उसके बाद आप प्लग इन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब प्लग इन करें तो आपका निकल गया एम डब्ल्यू, ये हो गया 62.982 माइनस 104.83, ये सब किलो जूल्स पर केजी में है, और ये हो गया 6 केजी पर मिनट, ये आ गया आपका 100.S3 आपका आ गया 303। तो S3 है आपका 303, ये एक्चुअली ये माइनस होगा ये प्लस होगा, माइनस होगा प्लस होगा, क्योंकि S3 आपका 303 है और S2 जो है वो आपका 104 है। सो ये उल्टा होना चाहिए, और ये आप जब करेंगे 303.87 तो ये निकल के आएगा आपका MW, निकल के आएगा आपका 29.1 kg per मिनट, ठीक है। सो आपका ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन हो गया इसमें, इस एग्ज़ाम्पल को लेके। अब ये तो पार्ट वन ऑफ द क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि हीट ट्रांसफ़र जो है रेफ्रिजरेंट से वाटर में कितना होगा इस प्रोसेस में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग से कंट्रोल वॉल्यूम बनाएंगे। ये कंट्रोल वॉल्यूम होगा आपका, चूँकि आपके देखेंगे नहीं तो ये आपका इनिशियल था, वाटर यहाँ से आ रहा था, राइट। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये होगा सपोज वाटर मान के चले, तो ये कंट्रोल वॉल्यूम जो हो गया वो ये हो गया इस तरह से, ये इसका पार्ट, ये जुड़ा हुआ है। अगर मान के तो ये पूरा वाटर जो है ना इस तरह से कंट्रोल वॉल्यूम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो वाटर पे अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो रेफ्रिजरेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इस केस में हम लोग वाटर पे कर रहे हैं। तो केवल एनर्जी बैलेंस ही करेंगे, तो ई इन डॉट ई आउट, चूंकि हम लोग फ्लो डिवाइस है, ई इन इस केस में क्या है कि ये जो सर्फेस आपको दिख रहा है ये आपका एक्सटर्नल सर्फेस है। देखने का मतलब ये है कि ये ऐसा दिखेगा आपको, ओके, ये आपका कंट्रोल वॉल्यूम है। ये वाटर का है, ये सब वाटर है। तो ये पार्ट जो है, जो आपको ये डार्कन कर रहा हूँ मैं, ये पार्ट है जो कि बाउंड्री है, वो ये पार्ट इसकी बाउंड्री हो गई वो कंट्रोल वॉल्यूम की, जो ये डार्कन कर रहा हूँ ये पार्ट बाउंड्री हो गई, ठीक है। इस पार्ट से कुछ हीट ट्रांजेक्शन्स नहीं होने हैं, ऑफकोर्स इनलेट और आउटलेट है वाटर का, बट हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है इस बाउंड्री के थ्रू। तो हम लोग इनलेट आउटलेट में क्या करेंगे, ये हो गया आपका इनलेट में ये वाटर आ रहा है, तो ये हो गया M3 जो आ रहा है, एम थ्री की जगह वाटर सीधा लिख देते हैं, एम डॉट W, और ये शायद वन था, देखते हैं वो क्या था, ये वन था करेक्ट। तो ये हो गया आपका वन प्लस जो हीट आया, तो क्यू डॉट W इन इज इक्वल टू एम डॉट H2। तो क्यू डब्ल्यू इन क्या होगा, ये होगा एम डॉट W H2 माइनस H1। तो यहाँ पे अगर प्लग इन करें तो ये हो गया आपका 29.1 kg per मिनट, और ये हो गया 104.83 माइनस 62.982 kg किलो जूल्स पर kg। तो ये निकल के आता है 1218 kilo joules per minute, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप एक सिंपल सा एनर्जी बैलेंस भी कर सकते हैं, इसको और सिंपलीफाई भी कर सकते थे हम, एक्चुअली सीधा इसको भी ले सकते हैं,
जैसे ये वाला बैलेंस अगर लेते हैं हम सीधा ट्यूब लेते थे, अगर हम लोग केवल इस ट्यूब को ही अगर कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं, तो एनर्जी बैलेंस को करने के लिए हमें अगर यही अप्लाई करते हैं, ई इन माइनस इज ई इन इज इक्वल टू ई डॉट आउट, बट यहाँ पे क्या होता कि आपको ये लेना पड़ता कि एम आर डॉट एच थ्री इज इक्वल टू एम डॉट आर एच फोर प्लस जो क्यू आर डॉट जो बाहर निकल रहा है, और क्यू आर आउट जो है वो आपका क्यू डब्ल्यू इन है डॉट आर में, तो क्यू आर आउट जो है वो आपका एम आर एच थ्री माइनस एच फोर है, और ये एम आर एच थ्री माइनस एच फोर क्या है, हमने अभी किया था ये यहाँ पे एच थ्री, ये सिंपल एम डॉट एच टू माइनस एच वन हो गया, तो ये हो गया आपका एम डब्ल्यू एच टू माइनस एच वन है, और ये जो है ये सिंपल सा आपका क्यू डब्ल्यू इन हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये सेम एक्सप्रेशन है, ये थोड़ा आपको ज़्यादा लग रहा होगा कि कैसे आपको कंट्रोल वॉल्यूम बनाना है, तो वैसे अगर दिक्कत है तो आप सिंपल जो एनर्जी बैलेंस है वो ट्यूब जो जिस ट्यूब में आपका रेफ्रिजरेंट है उसी में आप कर लीजिए, उसी को आप ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, इसी को बना लीजिए, तो ये आपका एक कंट्रोल वॉल्यूम हो गया ऐसे केस में, तो ये आपके इसके इसके थ्रू जो है हीट है ज़्यादा है, तो एप्लीकेशन आप जो एनर्जी बैलेंस का करेंगे वो इसी में करेंगे, तो एक तरह का ये ऑप्शन है कि या तो इस पे कीजिए, या वाटर पे करना है तो वाटर के हिसाब से कंट्रोल वॉल्यूम बनाइए, अगर आपको रेफ्रिजरेंट पे करना है एनर्जी बैलेंस तो रेफ्रिजरेंट का आप कंट्रोल वॉल्यूम बनाइए, तो कंट्रोल वॉल्यूम के हिसाब से आपका इक्वेशन चेंज होगा बट आंसर वही आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया किस तरह से ये जो डिफरेंट स्टडी फ्लो डिवाइसेस काम करते हैं, और उसके जो कॉमन एग्जांपल्स हमने पढ़े और उसको ट्राई किया सॉल्व करने के लिए। इस एक्सरसाइज को हम आगे जारी रखेंगे एक और लेक्चर में जो अगली बार करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।